बाहुबली के बारे में क्या कहना है सलमान खान का? दबंग 4 में कैसा होगा सलमान का किरदार? सुपरस्टार सलमान खान का कहना है कि वह अपने ऑन स्क्रीन अवतार चुलबुल पांडे के अस्तित्व को हकीकत में महसूस करते हैं। साल 2010 में आई फिल्म दबंग के साथ सलमान ने सबसे पहले इस किरदार को निभाया था और अब उनका ये किरदार उनके प्रशंसकों और चाहने वालों के बीच काफी मशहूर हो गया है। सलमान इस फ्रेंचाइजी की अगली किश्त दबंग 4 के साथ फिर से धमाल मचाने आ रहे हैं। आइए उससे पहले जानते हैं कि सलमान का क्या कहना है अपने इस किरदार के बारे में। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने कहा था, पिछले कई सालों से मैं चुलबुल पांडे के अस्तित्व को हकीकत में महसूस करता आ रहा हूँ। दर्शक ने इस किरदार को जितना प्यार व समर्थन दिया है उससे मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ। इसी बीच उन्होंने किरदार से जुड़ी कई खुलासे भी किए थे। उन्होंने इस बारे में बताया कि चुलबुल पांडे उनके लिए महज एक किरदार नहीं है बल्कि ये एक खास व्यक्तित्व है जिसे वह अपनाना पसंद करते हैं, जिसे जीना उन्हें पसंद है। एक बार जब मैं पुलिस की अपनी वर्दी पहन लेता हूँ और मूछें लगा लेता हूँ तो फिर मैं सलमान खान नहीं बल्कि चुलबुल पांडे हूँ। बेशक ही सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी उन्हें उसी रूप में देखना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे दबंग 4 की। आपको बताते हैं सलमान के इसी किरदार से जुड़ी कुछ बेहद ही खास और अनोखी बात हमारे सामने आई है। प्रभु देवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान का किरदार बाकी तीनों फिल्मों से अलग होगा। जी हाँ, अब तक आपने दबंग में चुलबुल पांडे को गलत के खिलाफ लड़ते हुए देखा होगा, जबकि अब वह खुद ही क्राइम करता नजर आएगा। जी हाँ, उनका किरदार फिल्म में यू टर्न लेने वाला है। इस बार उनका किरदार नेगेटिव होगा, जो गुंडों से नहीं बल्कि पुलिस से लड़ेगा। यह कुछ इस तरह का होगा जैसे कि शाहरुख खान ने डॉन सीरीज में निभाया था, यानी कि वह बुरा बनना नहीं चाहता था लेकिन हालातों के चलते उसे विलन बनने अहान शेट्टी से हाथ मिलाना पड़ता है और क्राइम की दुनिया में जाना पड़ता है। अब ये हमें ही बताने में इतना दिलचस्प लग रहा है तो स्क्रीन पर देखने का इसे मजा तो वाकई लाजवाब होगा। फिल्म से जुड़ी बाकी बातें हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को लेकर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों।